पशु चिकित्सालय लाल कुआं जर्जर हो चुकी कई दशक पुरानी बिल्डिंग में चल रहा है, जिससे किसी भी समय होने वाली किसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। बताते चले 1957 में लाल कुआं पशु चिकित्सालय अस्तित्व में आया था, जिसका कार्य क्षेत्र आसपास के इलाके में दूर तक फैला हुआ है, किंतु मुख्य चिकित्सालय भवन में चिकित्सक कार्यालय के साथ ही अस्पताल की आवासीय कॉलोनी भी जर्जर हो चुकी है। चारों ओर झाड़ियों से घिरा आवासीय परिसर भुतहा प्रतीत होता है। एक ओर तो सरकार नित नए निर्माण कार्य करते हुए विकास को बढ़ावा दे रही है, वही ऐसे भवनों की अनदेखी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मोहल्ले को भेजा जा चुका है पहले, और बजट की व्यवस्था होते ही इसको कर लिया जाएगा, और मौसम ठीक होते ही इसको फिनिश कर लिया जाएगा। अब 4-5 महीने तो मेरे को देखते देखते हो गए हैं, हालांकि भेजते हुए, और तो प्रस्ताव बना के भेजा जा चुका है। अनुमानित खर्चा भी उनको बता दिया है, और उन्होंने बताया गया मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय की वजह से इसको जल्दी करवा लिया जाए। बिल्डिंग है ये आपकी 1957 की बिल्डिंग है, जब तक बनी है जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, उसके बाद से कई चेंज हुए हैं। जब ये अस्पताल खुला था 1957 के आसपास अस्पताल है। ऐसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, सच बताऊं तो थोड़ी सी एडमिट भी हो गई है, हालांकि बिल्डिंग थोड़ी पुरानी है, लेकिन आज तक टपकी नहीं है बिल्डिंग कभी, तो इसका प्रस्ताव बना के दिया जा चुका है, और जल्दी इसमें उम्मीद है कि इसको ठीक कर दिया जाएगा।